ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997 के बारे में। अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997 हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक्ट के वजह से हमारा अरुणाचल प्रदेश में थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था। ये एक्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप लेके आया था, जिससे ग्रास रूट लेवल में पावर डिसेंट्रलाइज था, सेंटर से लेके विलेज तक। अब ये पावर एक जगह में कंसंट्रेटेड नहीं था, बल्कि जो हमारा विलेज सिस्टम है उनको भी ऑटोनॉमी दिया गया था, अपना विलेज अफेयर्स अपने हिसाब से वो लोग कैरी ऑन करें। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ही ये अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट हमारा स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ था। ये एक्ट कमेंस होने के बाद में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पंचायती राज एक्ट 1967 डिसॉल्व हो गया। ये एक्ट इफेक्ट में आया 14 सितंबर 2001 में। इतना डिले क्यों हुआ बोलने से, क्योंकि देखिए ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है। तो क्लॉज 3A आर्टिकल 243D में इंसर्ट करते करते टाइम कंज्यूम हो गया, इसका वजह से ये एक्ट लेट में आया था। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो मैंडेटरी प्रोविजन होता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन रखने के लिए, उसको अरुणाचल प्रदेश का से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हटा दिया गया था। और अभी देखते हैं इसका की फीचर्स। सबसे पहले तो है, पहले जो नेफा पंचायती राज एक्ट फोर्थ ईयर सिस्टम के लिए हम लोग का अरुणाचल में इम्प्लीमेंट किया था, उसको हटा के अभी हमारा अरुणाचल में आ गया थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम। वो है ग्राम सभा, आंचल समिति और जिला परिषद। और अभी टेन्योर हो गया 5 साल। पहले नेफा का पंचायती राज एक्ट 1967 में 3 साल का था, अभी उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया। और ये एक्ट एक स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए एस्टेब्लिश कर दिया। और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन हमारा जो अरुणाचल का स्टेट फाइनेंस कमीशन है, वो जितना भी इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस और डिवोल्यूशन ऑफ फंड ये सब को उसका ऊपर में जिम्मेदारी रख दिया। और जैसे कि मैंने पहले बोला था, इंसर्टेड क्लॉज 3 इन आर्टिकल 243D। और उसके बाद में है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो रोल्स है उसको गाइडलाइंस ले डाउन किया है। और लास्ट में है जितना भी इलेक्शन रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका गाइडलाइंस भी सेटअप किया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।